नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल लोहिया। आज हम बात करेंगे UPPCS 2018 के इंटरव्यू प्रोग्राम के संदर्भ में। और फ्रेंड्स, आज का मुद्दा होगा लोक प्रशासन वैकल्पिक विषय, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट। जो लोग लोक प्रशासन वैकल्पिक विषय के साथ UPPCS 2018 की मुख्य परीक्षा पास किए हैं, उन्हें इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी है, स्पेशली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल की तैयारी कैसे करनी है, किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं वैकल्पिक विषय से इंटरव्यू में, इस साल किस तरह के प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, आज के वीडियो में हम इस मुद्दे पर आपसे बात करेंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको जानकारी होगी, 13 जुलाई से UPPCS 2018 के इंटरव्यू शुरू होने थे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से 2 दिन आगे बढ़ा दिए गए। 15 जुलाई से इंटरव्यू शुरू हैं। लगभग 115 लोग 15 जुलाई को बुलाए गए हैं इंटरव्यू के लिए, और उतने ही लोग फिर डेली 4 से 5 बोर्ड बनने हैं। लोक प्रशासन हमेशा से एक बहुत पॉपुलर सब्जेक्ट रहा है UPPCS में। जब से 2 की जगह 1 ऑप्शनल हुआ है, और उसमें भी सोशल वर्क और डिफेंस जैसे सब्जेक्ट हटा दिए गए हैं मेन से, उसके बाद लोक प्रशासन की लोकप्रियता और ज़्यादा बढ़ गई है। आप में से जो भी लोगों ने लोक प्रशासन विषय के साथ 2018 की मुख्य परीक्षा पास की है, स्पेशली आज मैं उनके लिए बात करने जा रहा हूँ। पिछले वीडियो में ओवरऑल मैंने चर्चा की थी कि UPPCS की इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें, किन बातों को ध्यान रखें, इनफैक्ट किन बेसिक बातों को ध्यान रखें जो कि आपको अच्छे नंबर दिलाने में बहुत मददगार हो सकती हैं। और आज मुझे लगा कि लोक प्रशासन वैकल्पिक विषय का टीचर होने के नाते मैं आपको गाइड करूं कि लोक प्रशासन ऑप्शनल की तैयारी आप कैसे करके जाएं, जितना जो भी समय आपके पास है। बहुत ज़्यादा समय की ज़रूरत नहीं है, अगर 1 हफ्ता 8-10 दिन भी समय है, इवन उससे भी कम समय है, तो चूंकि आपने मेंस परीक्षा पास की है, इसका मतलब है कि आपका वैकल्पिक विषय पे एक अच्छी पकड़, एक कमांड है, आपको विषय की समझ है। बस थोड़ा सा इंटरव्यू में पूछे जाने वाले प्रश्नों के अनुरूप आपको अपनी समझ को ढालना है। 1-2 दिन शांत मन से अगर बैठेंगे आप, पूरे लोक प्रशासन के सिलेबस को एक बार आप सरसरी निगाह से देखेंगे, रिव्यू करेंगे, तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक आपको मिलेंगे जिनसे प्रश्न पूछे जाने की संभावना होती है। पिछले जो इंटरव्यू हुए हैं, जो स्टूडेंट शामिल हुए हैं इंटरव्यू में, उनके जो फीडबैक हमें मिलते हैं, हमारा अपना जो एक बड़ा लंबा अनुभव रहा है, उसके आधार पर हम आपसे बात करने जा रहे हैं कि किस तरह के प्रश्न आप तैयार करें। तो फ्रेंड्स, लोक प्रशासन वैकल्पिक विषय में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, मैं 2 कैटेगरी या 2 पार्ट में उनको डिवाइड करता हूँ। एक तो ट्रेडिशनल कहें या थ्योरेटिकल प्रश्न कहें, दो तरह के प्रश्न, थ्योरेटिकल या ट्रेडिशनल, सैद्धांतिक या परंपरागत समझ पर आधारित जो प्रश्न होंगे वो, और दूसरा करंट बेस्ड या अप्लाइड, मतलब व्यावहारिक समझ या जो करंट अफेयर से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, वर्तमान प्रवृत्तियाँ, उन पर आधारित प्रश्न।
तो इन दो कैटेगरी में बांट सकते हैं लोक प्रशासन वैकल्पिक विषय के प्रश्नों को, थ्योरी बेस्ड या ट्रेडिशनल टॉपिक, परंपरागत ज्ञान और समझ पर आधारित प्रश्न, और अप्लाइड सेक्शन या जो करंट इशूज हैं उन पर आधारित प्रश्न। एक एक करके फ्रेंड्स दोनों को मैं आपको समझाऊंगा, दोनों में किस तरह के प्रश्न जो आपसे पूछे जा सकते हैं, किस तरह के टॉपिक, उनके बारे में कुछ आपको बताऊंगा आज के इस वीडियो में। फ्रेंड्स सिलेबस अपने सामने रखें, और जो पहली कैटेगरी है, दोनों हालांकि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, पहली और दूसरी कैटेगरी, जो पहली कैटेगरी है थ्योरेटिकल या परंपरागत प्रश्न, UPPCS का लोक प्रशासन का सिलेबस अपने सामने रखिए। फर्स्ट पेपर फर्स्ट यूनिट से आप एक एक करके देखते जाइए उन यूनिट्स को, और जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं सिलेबस में, थ्योरी वाले पार्ट हैं, उनसे जुड़ी जो बेसिक समझ है आपको उसको तैयार करना है। बहुत डेप्थ नॉलेज मुझे नहीं लगता कि इंटरव्यू में ज़रूरत है तो बहुत अच्छी बात है, और जैसा मैंने कहा कि आपने मेंस पास किया है इसका मतलब है कि आपको डेप्थ नॉलेज है, और इनफैक्ट उस डेप्थ नॉलेज की उस विश्लेषणात्मक समझ और अपने विषय में गहराई से आपको कितना अध्ययन है उसकी परीक्षा मेंस में हो भी चुकी है। तो यहाँ इंटरव्यू में जो प्रश्न पूछे जाते हैं बहुत डेप्थ नॉलेज, बहुत एनालिसिस, उससे जुड़े हुए प्रश्न नहीं होते हैं, बल्कि विषय पर्टिकुलर टॉपिक के संदर्भ में आपका विज़न कितना क्लियर है। संक्षेप में भी अगर आपसे कहा जाए तो आप अपने उस टॉपिक को कम से कम शब्दों में प्रस्तुत कर दें, ये कला आप में है या नहीं इसकी जांच होती है। पिछले वीडियो में हम बात कर भी रहे थे कि इंटरव्यू में किन गुणों की जांच की जाती है, तो स्पष्ट और तर्कसंगत प्रस्तुतीकरण, तो स्पष्ट और तर्कसंगत प्रस्तुतीकरण मीन्स में आपने 200-300 शब्द में आंसर लिखा। अब यहाँ अगर आपसे कहा जाए कि लोक प्रशासन क्या होता है, दो लाइन में बताइए, नेचुरल सी बात है, यहाँ बैठ के आपको 10 मिनट तक लोक प्रशासन का अर्थ 200-500 शब्द में नहीं पढ़ना या सुनाना है, क्योंकि टोटल इंटरव्यू ही 18 से 20 मिनट का है, उसमें अगर 10 मिनट लोक प्रशासन का अर्थ ही आप समझाते रहेंगे तब तो फिर हो गया इंटरव्यू, तो लोक प्रशासन का अर्थ तो मेंस में हम समझ ही चुके आपसे। हाँ मेंस में बस 200 या 300 शब्द में, यहाँ अब आपसे कहा जाए कि दो लाइन में, मतलब टू द पॉइंट आप बस बता दीजिए कि लोक प्रशासन क्या होता है, तो अब ना आपको बहुत डिटेल डिस्कशन करना है, वो बार बार मैं कह रहा हूँ मेंस में हो चुका है, यहाँ टू द पॉइंट, और स्पेशली UPPCS में इंटरव्यू में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो इसी तरह की अपेक्षा की जाती है कि टू द पॉइंट आप जवाब दें, कम समय में आपसे ज़्यादा चीज़ें पूछी जानी हैं। तो शुरुआत यहीं से करें, आप सिलेबस सामने रखें, फर्स्ट यूनिट से देखते जाएं टॉपिक, और खुद अपने आप प्रश्न तैयार करते जाएं। प्रशासन क्या होता है, लोक प्रशासन क्या होता है, लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में अंतर क्या है, और अब लोक और निजी में अंतर तो अगेन फिर जो मेंस में बहुत डिटेल पढ़े हैं हमने 10 पॉइंट, अब उतना डिटेल अंतर नहीं, टू द पॉइंट कुछ 2-4 बहुत महत्वपूर्ण बातें जो आप 2-4 लाइन में बस बता दीजिए। उद्देश्यों का अंतर है, क्षेत्र का अंतर है, प्रकृति का अंतर है, बस संक्षेप में, ओ उद्देश्य क्या, तो लोक प्रशासन जनता के हित के लिए, निजी प्रशासन लाभ के लिए, तो बहुत संक्षेप में प्रस्तुति करें। लोक प्रशासन कला है या विज्ञान है, आर्ट है या प्रोफेशन है, अभी इस साल UPSC के इंटरव्यू में पूछा गया कि स्टूडेंट से कि लोक प्रशासन आर्ट है या प्रोफेशन है, कला या पेशा, कला या विज्ञान, लोक प्रशासन का जन्म कैसे हुआ है, कौन पिता है इसका, क्या महत्व है लोक प्रशासन का,
गुड गवर्नेंस, सुशासन क्या होता है, स्मार्ट शासन क्या होता है, और इन सब की चर्चा बस 2 से 3 लाइन में आपको करना है। अब सुशासन आप डिटेल डिस्कस करते चले नहीं, हाँ अगर पूछ रहा है कोई इंटरव्यू बोर्ड में, जिसकी संभावना कम, क्योंकि मैंने कहा कम समय में ज़्यादा चीज़ें पूछी जानी है, आपका बायोडाटा भी, आपकी हॉबी भी, आपका एकेडमिक भी, करंट से जुड़े इशूज़ भी, और GS के भी बहुत सारे सेक्शन भी। तो एक ऑप्शनल के लिए अगर आप ऑन एन एवरेज निकालें तो 2-3 मिनट, 5 मिनट का समय। अब उस 5 मिनट में अगर गुड गवर्नेंस की डिटेल समझने लग जाएंगे आपसे, तो वो एक ही टॉपिक नहीं पूछ, एक ही प्रश्न नहीं पूछ पाएंगे आपसे। तो टू द पॉइंट कम से कम शब्दों में अपनी बात रखना। तो आपको जो सबसे बड़ा काम इस बीच में करना, 1 दिन 2 दिन भी पर्याप्त होगा कि पूरा सिलेबस ऑलरेडी आपने पढ़ा है, बस अब इस नज़रिए से पढ़ना है कि इस तरह की जो भी अवधारणाएं सिलेबस में हैं आप 2-3 लाइन में उनका जवाब दे सकें, वो आपके टिप्स पे या जवान पे हो, टू द पॉइंट। तो जैसा मैं कह रहा हूँ कि बस फर्स्ट यूनिट से आप आगे बढ़ते जाइए, सिलेबस अपने सामने रखिए, नवीन लोक प्रशासन क्या है, नवीन लोक प्रबंधन क्या है, नवीन लोक प्रशासन और नवीन लोक प्रबंधन में अंतर क्या है, नवीन लोक प्रबंधन और सुशासन में अंतर क्या है, पब्लिक चॉइस थ्योरी लोक चयनवाद क्या है, नवीन लोक सेवा न्यू सिविल सर्विस क्या कॉन्सेप्ट है, किसने दिया है, कब दिया है। तो सिलेबस में ये सारे टॉपिक लिखे हैं, मैं वहीं से बता रहा हूँ, बस इनसे जुड़े कुछ मूलभूत बातें 2-4 लाइन में, इनका जवाब कॉम्पैक्ट तरीके से आप जवाब दे पाएं, बस ये काम आपको करना है। इसी तरह से पूरे सिलेबस से आपको टॉपिक निकालने हैं, अपने आप इस तरह से प्रश्न बनाने हैं, बहुत सारे तो मैं खुद यहाँ बता ही दे रहा हूँ आपको प्रश्न। थिंकर में आगे चलेंगे तो सबसे पहली बात तो कि आपका सबसे पसंदीदा थिंकर कौन है, क्यों है वो सबसे पसंदीदा थिंकर, आपकी मर्जी है, टेलर, बेवर, फ्योल, गुलेक, मेयो, साइमन, बर्नार्ड, बहुत सारे थिंकर आप पढ़ते हैं, आपको अपने अकॉर्डिंग बताना है। जनरली हर्बर्ट साइमन का नाम लोग लेते हैं, जनरली FW रिक्स का नाम लोग लेते हैं, सबके पीछे तर्क हैं। हर्बर्ट साइमन ने डिसीजन मेकिंग या निर्णयन प्रक्रिया का इतना व्यावहारिक प्रतिमान प्रतिपादित किया है कि उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है उसके लिए। 1945 में थ्योरी दी उन्होंने, 78 में नोबेल मिला, और आज 2020 में भी उनका प्रतिमान उतना ही प्रासंगिक है। FW रिक्स पहले ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने भारत जैसे विकासशील देशों की स्टडी की है, इकोलॉजिकल अप्रोच, कंपैरेटिव स्टडी, इन सबको बेस बनाते हुए प्रिज्मेटिक सोसाइटी मॉडल दिया है। तो थे अमेरिका के, लेकिन पहले विद्वान जिन्होंने कंपैरेटिव स्टडी और इकोलॉजिकल अप्रोच के आधार पर भारत जैसे विकासशील देशों का अध्ययन किया। रिक्स के पहले किसी विद्वान ने ये काम नहीं किया था, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हमें बहुत पसंद है वो, कि हमारे देश, हमारे विकासशील समाजों की स्थितियों की स्टडी क्यों। तो कौन सा पसंदीदा थिंकर है आप अपने अकॉर्डिंग सोचें, क्यों है वो सोचें, तर्क के साथ आप किसी को भी बता सकते हैं। जनरली हमने कहा साइमन, रिक्स, इनके पीछे इतने मजबूत तर्क हैं कि इन्हें हम बताते हैं पसंदीदा थिंकर। हाँ, लेकिन कोई ऐसी बाध्यता नहीं है कि इन्हीं को बताना है, आप अपने अकॉर्डिंग किसी और की भी चर्चा कर सकते हैं। जो थिंकर हैं उनकी थ्योरीज भी थोड़ी बहुत, अगेन मेंस में सब आपने पढ़ा है, पता है, संक्षेप एक बार रिव्यू कर लीजिए। वैज्ञानिक प्रबंध क्या है, नौकरशाही क्या है, नौकरशाही और लोक सेवा में क्या अंतर है, आप नौकरशाह बनना चाहते हैं कि लोक सेवक, एक अच्छे प्रशासक के कौन से गुण हैं, क्या आपको लगता है कि आप में वो सारे गुण मौजूद हैं। नौकरशाही नकारात्मक अवधारणा है कि सकारात्मक, फॉलेट का एकीकरण का सिद्धांत आज कैसे उपयोगी या प्रासंगिक है, कोई एक एग्जाम्पल दीजिए।
तो इस तरह से जो थ्योरी वाले थिंकर वाले पार्ट आगे बढ़े, संगठन के नियम पद सोपान क्या होता है, दो लाइन में बताइए व्हाट इज हायरार्की, और अगेन बस दो लाइन में जवाब देना है, बहुत घुमा फिरा के लंबा चौड़ा नहीं, एकदम टू द पॉइंट बात करनी। आदेश की एकता क्या है, नियंत्रण का क्षेत्र क्या है, केंद्रीकरण विकेंद्रीकरण में मुख्य अंतर क्या है, उत्तरदायित्व क्या है, जवाबदेही क्या है, उत्तरदायित्व तो जवाबदेही में क्या अंतर है, आपके अनुसार प्रशासन को उत्तरदायी होना चाहिए कि जवाबदेह होना चाहिए, इस तरह से बस आप सिलेबस देखते जाइए। आप प्रशासनिक व्यवहार में आएंगे, अभिप्रेरणा मनोबल में क्या अंतर है, कैसे आप अपने कार्मिकों को अभिप्रेरित करेंगे, मोटिवेट करेंगे, आप जिले के डीएम हैं, आपके अधीनस्थ कर्मचारी हैं, काम करने की इच्छा नहीं है, कैसे आप उनको मोटिवेट करेंगे, एक सफल नेता के कौन से गुण हैं, कैसे कोई व्यक्ति निर्णय लेता है, आपके अनुसार एक राइट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्या है, कार्मिक प्रशासन वित्तीय प्रशासन, एक एक करके आप आगे बढ़ते जाएं और इस तरीके से पूरे सिलेबस में जो ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं दो लाइन चार लाइन में दिमाग में उनके मीनिंग उनके कॉन्सेप्ट क्या हैं उनको एक बार दिमाग में बिठाएं, ताकि टू द पॉइंट आप जवाब देने की स्थिति में हो, वहाँ आपको सोचना नहीं पड़े अगर पूछा जाए कि पद सोपान क्या है, वहाँ आपको गोलमोल घुमा फिरा के जवाब नहीं देना पड़े, बात को खींचना नहीं पड़े, भाई 200 शब्द में लिखेंगे तो हो सकता कि 200 शब्द में काम की बात आ जाएगी, लेकिन यहाँ वहाँ की बात, और जब दो लाइन में कहा जाएगा टू द पॉइंट ही, तो राजस्थान पीसीएस में देखें मेंस में प्रश्न पूछे जाते हैं जिनके आंसर 15 शब्द 20 शब्द में देने होते हैं, बस उसी तरह से अब यहाँ इंटरव्यू में होता है, पद सोपान क्या होता है, उच्च और अधीनस्थ के संबंधों के आधार पर संगठन का विभिन्न स्तरों में वर्गीकरण पद सोपान कहलाता है, देखिए आप वही 15 से 20 शब्द राजस्थान मेंस में इसी तरह के प्रश्न इसी तरह से आंसर लिखना होता है, और अब यहाँ आपको इंटरव्यू में भी इसी तरह की तैयारी करनी, बाकी बार बार मैं कह रहा हूँ पूछने को कुछ भी पूछा जा सकता है, आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है ये, तो हमेशा अपेक्षा की जाती है कि अपने वैकल्पिक विषय में आपको डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए, हाँ लेकिन उसकी जांच मुख्य परीक्षा में हो चुकी है, यहाँ संभावना होती है कम शब्दों में आपकी समझ स्पष्टता तर्क संगतता की जांच की जा सके। तो इस तरह से फ्रेंड्स जो थ्योरी वाला पार्ट या ट्रेडिशनल पोर्शन है पूरे सिलेबस के आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स निकालने हैं और संक्षेप में उनको तैयार करना है, एक दिन अगर आप देंगे समय तो इस तरह से पूरे सिलेबस को आप कर सकते हैं तैयार। अब उसके बाद सेकेंड पार्ट पे आए कि लोक प्रशासन विषय से जुड़े व्यावहारिक समझ जो करेंट डेवलपमेंट या वर्तमान प्रवृत्तियां हैं वो क्या हैं, और अब उनकी तैयारी आपको करनी है, क्योंकि आप जानते हैं कि लोक प्रशासन एक बहुत गतिशील विषय एक डायनामिक सब्जेक्ट है, सबसे बड़ी बात कि लोक प्रशासन जीएस से जुड़ा हुआ है, लोक प्रशासन में जो भी चीज़ें आप पढ़ते हैं लगभग चीज़ें वो जीएस में भी आप पढ़ते हैं, और वास्तव में जीएस डायनामिक है उसी वजह से लोक प्रशासन भी डायनामिक हो जाता है। तो अब हमारे चारों तरफ डे बाई डे जो घटनाएं घट रही हैं, राज्य में जो घटनाएं घट रही हैं, देश में जो घटनाएं घट रही हैं, स्पेशली लोक प्रशासन विषय के संदर्भ में जो घटनाएं, अब उनके प्रति भी जागरूक होना अत्यंत आवश्यक है, उनके प्रति एक समझ आपकी एक स्पष्ट राय का होना अत्यंत आवश्यक है। और फ्रेंड्स आप देखेंगे कि लोक प्रशासन विषय में चूंकि हम
पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन का एक बड़ा सेक्शन पढ़ते हैं, तो इसीलिए जो आप जीएस पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन के लिए करेंट डेवलपमेंट तैयार कर रहे हैं, लगभग वही करेंट डेवलपमेंट लोक प्रशासन विषय के लिए भी है। यहाँ आपको मेनली यूपी को ध्यान में रखते हुए देखना है चीज़ें कि कौन से मुद्दे चर्चा में रहे हैं, और नो डाउट पूरे देश को भी ध्यान में रखना है। और प्रश्न तो आपसे अड़ोस पड़ोस या दूसरे स्टेट से भी पूछे जा सकते हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि यूपी का आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो प्रश्नों का दायरा केवल यूपी तक सीमित होता है। संभावना है कि वहाँ से जुड़े प्रश्न होते हैं कुछ आपसे, लेकिन ओवरऑल भी बहुत सारे प्रश्न। तो अब इस तरह की घटनाएं, तो सबसे रिसेंट घटना यूपी में आप देख रहे हैं तो जो कानपुर विकास दुबे का पूरा मैटर है, अब उससे जुड़े जितने इशू हैं, पुलिस मुठभेड़, झूठी पुलिस मुठभेड़, उसमें मानवाधिकार, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की भूमिका, तो आपको मानवाधिकार वाला टॉपिक भी तैयार करना है क्योंकि वही इशू है जिसके नाम पे मानवाधिकार आयोग भी स्वतः संज्ञान लेता है, मामला कोर्ट में भी आता है। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका की शक्तियों का विभाजन, न्यायपालिका का काम पुलिस कर रही है, तो इससे जुड़े इशू आपको देखना है। पुलिस ही अगर न्यायपालिका भी बन जाए तो फिर न्यायपालिका क्या करे? आतंकी अपराधी के साथ मुठभेड़ कर रही है, किसी सामान्य नागरिक के साथ भी फिर पुलिस कर सकती है ऐसा? तो क्या पुलिस को अपना काम नहीं करना चाहिए, अपने दायरों तक सीमित नहीं होना चाहिए, न्यायपालिका का काम उसे करने देना चाहिए? वहीं से जुड़ा मुद्दा पुलिस रिफॉर्म्स, किस तरह के सुधारों की जरूरत। यूपी के पूर्व पुलिस महानिदेशक रहे हैं प्रकाश सिंह, उन्होंने बहुत प्रयास किए हैं पुलिस सुधारों के लिए, तो इसलिए भी यूपी में विशेष रूप से मुद्दा चर्चा में होता है पुलिस रिफॉर्म्स का, और अभी इस कानपुर की घटना के बाद और ज्यादा। राजनीति और प्रशासन का अपराधीकरण, पुलिस और अपराधियों की मिलीभगत सांठगांठ, पुलिस प्रशासन की हायरार्की ही क्या होती है, सीओ तो किस लेवल का अधिकारी है, एसएचओ या और दूसरे, तो पुलिस प्रशासन की हायरार्की ही बता दीजिए आपसे कहा जाएगा भाई। जनरली डीएसपी को आप दूसरी तीसरी प्राथमिकता पे भरते हैं, और जो पुलिस की इतनी चर्चित भूमिका है अभी, तो सबसे पहले तो यही कि पुलिस की हायरार्की ही बता दीजिए आप, डीजीपी से लेके नीचे कॉन्स्टेबल तक कौन कौन से स्तर होते हैं। कुछ समय पहले आप देखें कि यूपी के कई शहरों में मुख्यमंत्री योगी ने पुलिस कमिश्नरी सिस्टम लागू कर दिया है, नोएडा वगैरह। क्या है पुलिस कमिश्नरी सिस्टम, कैसे परंपरागत सिस्टम से अलग है ये, तो देखिए आप पुलिस से जुड़े हुए कितने सारे इशू हैं जो सबसे ज्यादा चर्चा में है अभी। आपको इन सब की समझ होना चाहिए, इन सारे इशू पे जानकारी भी हो, एक आपका स्पष्ट विजन भी हो कि आपका क्या स्टैंड है, आपको क्या जवाब देना है, पुलिस मुठभेड़ आपकी नज़र में क्या है, सही है गलत है, जो हुआ वो ठीक हुआ गलत हुआ। हैदराबाद में गैंगरेप के आरोपियों को इसी तरह से पुलिस वालों ने मार दिया, घटना स्थल पे ले गया और फिर इसी तरह से कहानी बना के हो रहा है, ये सही हो रहा है गलत हो रहा है, तो क्या स्टैंड है आपका। और ऐसे और हमने कहा जितने इशू हैं, वो मानवाधिकार हो, पुलिस रिफॉर्म्स हो, वो कमिश्नरी सिस्टम हो, तो सबके ऊपर आपका अपना विचार, आपकी अपनी राय क्या है, आपका स्टैंड क्या है, किसको सही मान रहे आप, किसको गलत मान रहे, और जिसको सही गलत मान रहे उसके पीछे आपके पास पर्याप्त तर्क हैं या नहीं है। गोलमोल जवाब से काम नहीं चल रहा इंटरव्यू में, टू द पॉइंट में बार बार कह रहा हूँ बात करनी है, विज़न एकदम क्लियर होना चाहिए, स्पेशली लिखा है ये पेपर में, हम बात कर रहे थे
जो यूपीएससी और यूपीपीसीएस के नोटिफिकेशन हैं, पर्सनालिटी टेस्ट के जो पर्पस हैं, जो नेचर है, उसमें लिखी गई हैं इस तरह की बातें। तो फ्रेंड्स, अब आपको इस लेवल पे काम करना है कि जो भी इस तरह के चर्चित मुद्दे हैं, करंट इश्यूज़ हैं, आप देखें कि आजकल दल बदल कानून कितना विवाद है, जीएस पॉलिटिक कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ा मुद्दा है और लोक प्रशासन का भी टॉपिक है। रिसेंटली आप देख रहे हैं राजस्थान का घटनाक्रम, उसके पहले मध्य प्रदेश, उसके पहले महाराष्ट्र, राज्यपाल की भूमिका। तो देखें आप बंगाल, देखें आप महाराष्ट्र, देखें आप केरल, देखें तो राज्यपाल की भूमिका, दल बदल कानून, संसदीय लोकतंत्र, सरकारों का बनना बिगड़ना, आरक्षण का मुद्दा है, स्थानीय कोटा तय हो रहा है, हरियाणा में हो गया, यूपी के मुख्यमंत्री ने कहा जो प्रवासी मजदूर आएंगे उन्हें वापस नहीं जाने देंगे, उत्तर प्रदेश में ही उन्हें रोकेंगे, इतना रोजगार उपलब्ध करवाएंगे। पूछा जाए आपसे कि बताइए आपके पास क्या विचार है, अगर आप ही से कहा जाए रोजगार उपलब्ध कराने के लिए, एक पॉलिसी बनाने के लिए, आप क्या आइडिया है आपके दिमाग में? आपका जिला कौन सा है? आप अपने जिले की 3 सबसे बड़ी समस्याएं बताइए। आपको जिले का करेक्टर एसपी, एसडीएम, डीएसपी बना दिया जाए, कैसे आप उन समस्याओं का समाधान करेंगे? तो सिचुएशन बेस्ड प्रश्न भी, जो हाल फिलहाल की घटनाएं हैं उन सबकी जानकारी, अनुच्छेद 370 हो, 35A हो, सूचना के अधिकार कानून में संशोधन हो, NIA कानून में संशोधन हो, भ्रष्टाचार कानून में संशोधन हो, जो भी इस तरह के डेवलपमेंट हैं, आपको इन सबकी भी जानकारी होना, और सबसे बड़ी बात कि इनके बारे में एक स्पष्ट दृष्टिकोण या स्पष्ट नजरिए का होना अत्यंत आवश्यक है। तो फ्रेंड्स, दो तरह से आप पहले सबसे पहला काम करें कि अपने से ही क्वेश्चनायर तैयार करें। बहुत सारे दसों प्रश्न तो मैंने बता ही दिए आपको वीडियो में। आप अपनी तरफ से आप इस बेस पे सिलेबस को सामने रखते हुए एक क्वेश्चनायर तैयार करें और फिर दो दो चार चार लाइन में उनके आंसर तैयार करें थ्योरी वाली चीज़ों के। तब उसके बाद इधर हाल फिलहाल की पिछले 4-6 महीने की जो चर्चित घटनाएं हैं राज्य की, देश की, दूसरे राज्यों की भी, अब राज्यपाल, संसदीय लोकतंत्र, सरकारों का गिरना बनना, ये ऐसी चीज़ें हैं कि वो यूपी में नहीं हो रही तो आपसे नहीं पूछा जाएगा, ऐसा नहीं है भाई। जनरल अवेयरनेस लिखा हुआ है आपके इंटरव्यू के पर्पस में, तो जनरल अवेयरनेस, तो जनरल अवेयरनेस में तो सारी चीज़ें हैं। राजस्थान का घटनाक्रम आपको नहीं पता तो ये भी तो जनरल अवेयरनेस की कमी है, या कैसे बंगाल में विधायक की हत्या हो रही है, कैसे वहाँ की मुख्यमंत्री और राज्यपाल में टकराव हुआ है, होता रहता है, केरल CAA कानून को लेके या जो जो, तो सब जनरल अवेयरनेस के पार्ट हैं, सब प्रशासन से जुड़े इशू हैं। तो जब आप सिलेबस को रिव्यू करेंगे तो ट्रेडिशनल थ्योरेटिकल क्वेश्चन निकालेंगे और फिर उसी सिलेबस को रिव्यू करते समय ही आप देखेंगे कि इस हमारे सिलेबस से जुड़े कौन से मुद्दे हाल फिलहाल चर्चा में रहे हैं, क्यों चर्चा में रहे हैं, क्या मुद्दे हैं वो, क्यों चर्चा में रहे हैं, उनसे जुड़ी सारी जानकारियाँ कर लेंगे। तो अगर मुझे लगता है कि आप प्रॉपरली 2-3 दिन का समय भी देंगे तो लोक प्रशासन विषय की इंटरव्यू के नज़रिए से तैयारी हो जाएगी। एक दिन ट्रेडिशनल टॉपिक, एक दिन, दो दिन जितने करंट इशू हैं, GS काफ़ी बड़ा सेक्शन तैयार हो जाएगा उससे आपका, और लोक प्रशासन वैकल्पिक विषय की भी तैयारी हो जाएगी। फ्रेंड्स, अगर आपको कभी भी किसी लेवल पे हमारे सहयोग की ज़रूरत लगती है तो आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं, वो चाहे इंटरव्यू की तैयारी हो और या आगे।
मेंस की तैयारी हो, लोक प्रशासन विषय इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें, मॉक इंटरव्यू, तो आपको जो भी ज़रूरत है आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मोबिशाला ऐप के थ्रू आप जुड़ सकते हैं, डायरेक्ट भी आप बात कर सकते हैं, तो जहाँ भी आपको सहयोग चाहिए वो उपलब्ध है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। कैसा लगा आपको वीडियो बताएं, अपने फीडबैक हमें दें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो, शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिले और आप भी अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।